फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। ये बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस वाली डेजर्ट रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आने वाली ईद पे आप इसे बना सकते हैं या आप इसे घर में बना के खा सकते हैं। तो मैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ली हुई है मैंने, आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट, तो इसलिए मैं बना रही हूँ 10 लीटर दूध मिल्क का शीर खुरमा। मैंने इसमें 10 लीटर बड़े बर्तन में मिल्क डाल दिया है और इसे बॉईल कर लिया है। अब इसमें बॉईल्ड आने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, छोटी इलायची के दाने डाले हैं मैंने इसमें, ये दिखाए थे आपको, छील के रख लिए हैं, देन इसे वो डाले हैं मैंने। और ये मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम, काजू, छुआरे और नारियल। नारियल को कद्दूकस कर लिया है मैंने इस तरीके से, और ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट कर लिया था। ये मैंने किशमिश ली हैं, चिरौंजी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके नाम मेंशन कर दूंगी। ये बहुत ही डिलिशियस वाली शीर कुरमा बनके रेडी होता है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश, चिरौंजी, ये धीरे धीरे ऐसे ही पकता रहेगा गैस पे, और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते रहेंगे। ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है मैंने, बट आप थोड़ी क्वांटिटी का बनाएंगे जल्द ही बन जाएगा। ये मैंने लिए हैं चावल, ने पीस लिया था, तो ये मैंने रात में एक कटोरी चावल भिगो के रख दिए थे, और इस तरीके से उन्हें छान के छन्नी में फिर सूती कपड़े पर ड्राई कर लिए हैं। ड्राई करने के आधे घंटे बाद इन्हें मैंने ऐसे पीस लिया है, जब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया था उनका तब मैंने इस तरीके से पीस लिया है। ये दो कटोरी चावल डालूंगी, पाउडर डालूंगी चावल का, इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आप इसे ईद पे बना सकते हैं, मीठी ईद पे, अब बकरीद आ रही है, आप इस पे ट्राई कीजिएगा। इसमें डाल दिया है मैंने अपने राइस का वाटर, और ये इसी तरीके से मीडियम गैस पे पकता रहेगा शीर, इसे चलाते रहना है। साढ़े तीन से चार कटोरी शुगर ऐड की है मैंने इसमें चीनी, देखिए इस तरीके से आपको चलाते रहना है इसे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल, नारियल मैंने इसमें तीन से चार नारियल लिए हैं जिन्हें कद्दूकस कर लिया है मैंने, छुआरे लिए हैं, इन्हें अच्छे से महीन कट कर लिया है हमने। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काजू, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए मैंने और थोड़े से बचा लिए हैं बाद के लिए, एंड के लिए, डेकोरेशन के लिए। अब इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं घी। इसमें 250 ग्राम के करीब घी मैंने ऐड करा है। मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा घी अभी जमा हुआ है, फ्रीज में रखा हुआ था। अच्छे से चलाते रहेंगे एंड इसे पकने देंगे। ये हैं ड्राई सेवई, आप मार्केट में ये अवेलेबल होती हैं, किसी भी शॉप पे आप बोल दीजिए कि ड्राई सेवई चाहिए शीर के लिए। और इन्हें अब इसमें ऐड करूँगी मैं तोड़ के, बट आप ऐड करें तो एक हैंड से चलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएं, और सेवई को डालते रहिएगा। इस तरीके से एक हाथ से मिक्स करते रहना है, या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से डालते रहिए एंड मिक्स करते रहिए। बहुत ही टेस्टी वाला शीर खुरमा बन के रेडी होता है ये, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। और ये स्लो गैस पे ऐसे ही बनता रहता है, इसमें रबड़ी वाला टेस्ट आने लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कम क्वांटिटी में आपको मेजरमेंट से प्रॉपर दिखाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो रेसिपी भी लेकर आऊँगी। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से पकाने के बाद में नाओ मेरा शीर कुरमा बनके रेडी हो गया है। अब इसे ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ मैं। अभी थोड़ी सी थिकनेस और रखनी थी मुझे इसमें, थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने थोड़ी गैस और जला दी है इसे। नाउ फाइनली मेरा शीर खुरमा बनके रेडी हो गया है। इसमें मैंने ऐड करी है, डाली है ऊपर से चिरौंजी। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ नारियल, काजू, बादाम, छुआरे, और ऊपर से अब इसमें ऐड करेंगे केवड़ा। कुछ ड्रॉप्स केवड़े की डालेंगे हम ताकि इससे अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। मिक्स कर देंगे, नाउ सर्व करेंगे।